आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी धमतरी के कंजेल नहर सत्याग्रह करने के लिए पहुंचे हुए थे। मोढ़ाराम कमलवंशी कंजेल में गांधी की यादों को जिंदा रखा हुआ है। अपनी कविताओं और आंदोलन के इतिहास को सुनाकर वे नई पीढ़ी तक इसे पहुंचा रहे हैं। उनका खुद का जीवन गांधी से बेहद प्रभावित रहा। मोढ़ा राम कमलवंशी धमतरी के कंडेल के रहने वाले हैं। उस कंडेल के जहां गांधी जी दो बार आए। गांधी जी के नहर सत्याग्रह के लिए आने का असर रहा कि आने वाली पीढ़ियों में इसका जबरदस्त प्रभाव रहा। मोढ़ा राम कमलवंशी ऐसे ही हैं। 81 साल के मोढ़ा राम कमलवंशी ने अपने जीवन, अपनी सोच में गांधी के मूल्यों, उनके आदर्शों को हमेशा बनाए रखा। देश की स्वतंत्रता के पूर्व से हम पढ़ना जारी कर दिए थे। 5-6 साल की उम्र से हमारा जन्म 39 का है। 47 में देश स्वतंत्र हुआ। 48 में बापूजी को गोली मारी गई। तब हम विद्यार्थी थे। मोढ़ाराम कमलवंशी गांधी और उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कमलवंशी 20 साल पहले स्कूल शिक्षक के पद से रिटायर हुए। उसके बाद गांधी सत्याग्रह पर कविताएं लिखी। कविताओं के जरिए वे घूम घूम कर गांधी के मूल्यों का प्रचार कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वे हफ्ते में 6 दिन अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी सब स्कूल में ना हर दिन मतलब अपना स्कूल में समय देते हैं। हाँ बताते हैं, वो पूरे हर चीज बताते हैं भाई। हाँ पूरे बच्चों को सब सिखाते हैं। अभी भी बच्चे उनके घर में जाते हैं, जीवन में पूरा प्रकाश डालते हैं उसमें। मोढ़ाराम कमलवंशी का जीवन सादगी की मिसाल है। वे 83 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं। उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की भावना विकसित की है। इसके लिए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद गाँव में रहने और वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का फैसला किया। वे विभिन्न वर्गों के बीच साधारण तरीके से रहते हैं। हमारा गांव गांधीमय है। मैं आपको बताऊं, जब से देश की स्वतंत्रता हुई है, आज राजनीतिक दल आपस में लड़ लेते हैं अपने चुनाव तक, लेकिन पूरा गांव एक है। कमलवंशी गांधी और कंडेल के इतिहास को कविता के माध्यम से नई पीढ़ी को बताने का काम कर रहे हैं। वे गांव की कविता लिखते हैं, नमक सत्याग्रह को लेकर कविता लिखते हैं। इन कविताओं से नई पीढ़ी गांधी और अपने गांव से जुड़ी हुई है। अच्छा आदमी है भाई, अच्छा पढ़े इसलिए कही सब करे, सब बच्चा पढ़े होकर सामने में बताते, कविता भी अच्छा अच्छा बोलती, मस्त कविता बोली, तुम पसंद हो जाओ इसे। तो शिशु मंदिर है और प्राथमिक शाला है, वहाँ जाते हैं, बच्चे को बहुत चाहते हैं, स्वभाव का बहुत अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।